हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं iOS 14, जो अभी रिसेंटली जस्ट सितंबर के इवेंट में एप्पल ने लॉन्च किया हुआ है, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या जिन्होंने भी एप्पल का इवेंट देखा है, ये सितंबर वाला, तो इसमें एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बहुत सारे थे। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो iPhone 12 का वेट कर रहे थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ तो मुझे भी जैसा सुनने में आया था कि आई थिंक नया हार्डवेयर या नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एप्पल ग्लास, बट वैसा भी अब की बार के इस बार के इवेंट में पॉसिबल नहीं हुआ। तो आई थिंक वो उनका जो लॉन्च है, मे बी 2021 के लिए मे बी पोस्टपोन हो सकता है। तो नेवर द लेस iOS 14 उन्होंने एक नया मेजर अपडेट एक्चुअली अब की बार रिलीज़ किया हुआ है, जैसा कि वो पहले से भी इस साल के इनिशियल वाले लॉन्च इवेंट में भी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो iOS 14 होगा उसमें बहुत सारे बड़े चेंजेस रहेंगे, लुक एंड फील को लेके भी और थोड़ा फंक्शनैलिटी को लेके भी। तो ये जो वीडियो है वो iOS 14 के जो बेसिक फीचर हैं, बेसिक लुक एंड फील है उसके ऊपर है, और प्लस जो इनके जो डिफ़ॉल्ट एप्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, उसके बारे में कि उन्होंने इन एप्लीकेशंस में क्या क्या चेंज किया हुआ है। तो मे बी हो सकता है कुछ मेरी साइड से बोलने में या आपको कुछ बताने में यदि कुछ मिस हो जाता है तो नो इश्यूज़। वो सारी चीज़ें या तो हम लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर मैसेजिंग के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी जो शायद आपको लगता हो कि ये फीचर या कोई या ये फीचर या स्पेसिफिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट था OS से रिलेटेड या लुक एंड फील से रिलेटेड, तो वो भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं भी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कि iOS 14 में अब की बार इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। हालांकि मैंने इवेंट जब देखा तो मुझे बेसिक कुछ चीज़ें पता है, लेकिन जो मेरा हैंड्स ऑन है वो अभी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, और मैंने जस्ट नाउ अभी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्वाइप अप टू अनलॉक, और आप यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये इसने नेटवर्क सिलेक्शन किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट किया हमने। ठीक है, इसमें इम्प्रूव इन्होंने सीरी को भी किया है। अभी हमें कोई रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी है, इसलिए नॉट नाउ पे जाएंगे हम। और अभी भी हमारा कोई एनालिटिक्स वगैरह अभी रेडी नहीं है, तो फिर अभी भी हम इसको डोंट शेयर पे ही क्लिक करेंगे। इन्होंने डिस्प्ले का दिखाया हुआ है कि आपको जूम फॉर्मेट में डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको नॉर्मली स्टैंडर्ड जो डिस्प्ले है वो चाहिए, चाहे वो आइकन से रिलेटेड हो, चाहे वो मैसेजिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अभी इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही कंटिन्यू करता हूँ। ये हो सकता है कि शायद ये आधा से 1 मिनट या मे बी 15 सेकेंड या और भी थोड़ा समय ले। तो अभी ये बोल रहे हैं स्वाइप टू गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कुछ फीचर्स थे, अभी ये बेसिक लुक जो हमारा था वो एज इट इज़ है। ये हमें सारी चीज़ें पूछ रहा है कि विजिट हमें कैसे दिखाने हैं या हमें कुछ और भी चीज़ें कैसे दिखानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने गैलरी का, मेमोरी का, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक विजिट इन्होंने इस तरीके से डाला हुआ है। इनको हम रीसाइजिंग भी कर सकते हैं और इनका जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब इनका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कैलेंडर को भी इस तरीके से दिखाया है। अभी यहाँ पे और भी सारी चीज़ें नहीं आई हुई हैं जो कि ऑलरेडी विजिट में हम लोगों ने डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी चेक मार्क किए हुए हैं, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी मे बी रीड आउट करके या थोड़े थोड़े से टाइम के बाद जो है
डिस्प्ले करेगा, तब तक के लिए हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी नेटवर्क हमारा ऑलरेडी था, तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हेडलाइन हमारा न्यूज़ से रिलेटेड है, जो इनका न्यूज़ चैनल है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे सारे चार्जिंग के लेवल्स बताए हुए, जैसे मेरे पास एप्पल वॉच है और आपका दो आईफोन्स हैं या फिर मैकबुक है, तो ये सारे जो इनके डिवाइसेस जो आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी जो चार्जिंग्स हैं वो भी आप देख सकते हो। हालांकि ये फीचर पहले भी था, बट इन्होंने जो लुक एंड फील है उसका वो चेंज किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम भी दिखता है, और इनको आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। ये आप देख रहे हो कि एडिट करने के लिए आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप ये डिफ़ॉल्ट ऐप्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ऐप्स इंस्टॉल की हुई, तो इसमें तो नया कुछ नहीं है अभी। ये देखिए, ऐप लाइब्रेरी इन्होंने इस तरीके से सेट की हुई है। तो ये अभी iOS 14 के हिसाब से सेट कर रहा था सारी चीज़ें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अभी वेदर का दिखाया हुआ है, कुछ थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ का भी डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका विजिट का हो गया था, और अभी ये हमारा ऐप लाइब्रेरी है। ऐप लाइब्रेरी को इन्होंने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। तो यदि आपको कोई ऐप्स इजीली नहीं मिल रही हो, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हो और आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स के लिए दिखाता है। इसमें अभी ऐप स्टोर वाली ऐप्स के लिए ऐसा अभी अभी हमने नहीं देखा है, अभी हमें पता भी नहीं है। ऐप स्टोर में जाके ही हम लोग वो फीचर भी देखने वाले हैं। तो ऐप लाइब्रेरी जो हमारी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनके लिए ऐसे दिखाता है। हालांकि ऑलरेडी जो पेजेस हैं हमारे पुराने वो एज इट इज़ हैं। ठीक है, ये श्री के जो सजेशंस हैं वो भी एज इट इज़ ही आ रहे हैं, जो पुराने OS के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, अब हम दूसरी और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इनका फेस टाइम। ठीक है, तो फेस टाइम में कुछ भी नया ऐसा अभी तो नहीं है, और बाकी जैसे जैसे फीचर और यूज़ करेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। इवेंट के केस में भी मुझे ऐसा कुछ नया नहीं दिख रहा है इनका। ठीक है, तो अभी हम इवेंट को इसको जाने देते हैं, और कैमरे में इन्होंने कुछ न्यू फीचर दिए हों तो वो थोड़ा सा जब कैमरा यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। वैसे ऐसा मुझे अभी इसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेल्स के लिए मेल्स एक्चुअली कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जाने देते हैं। इसमें अभी कुछ नया नहीं है। ठीक है, ऐप स्टोर में चेक करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो ऐप स्टोर में इन्होंने ये बताया कि iOS 14 में क्या क्या नए फीचर्स हैं, होम स्क्रीन को लेके, गेम सेंटर्स या फिर आपका फेसेस का लिए। इन्होंने काफ़ी सारे जो है नई एप्स के लुक एंड फील उसी iOS 14 के OS या जो लुक एंड फील है उससे मैच करने के लिए भी बनाए हुए हैं। विजिट्स भी इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग भी बनाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इवन इस OS के अपडेट में जो भी नई चीज़ें हैं, क्या क्या और हमें देखने को मिल सकती है, तो वो एज पर यूसेज हमें और ज़्यादा पता चलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ एक लुक एंड फील आप देख सकते हो कि बेसिक लेवल पे कैसा है। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने ये इस तरीके से अभी आपका बुक जो ऐप है उसको मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इन्होंने जो समरी का डिस्प्ले का तरीका था वो टोटली चेंज किया हुआ है। ठीक है, इवन हम ब्राउज में भी देखा हमने, तो इन्होंने लिस्ट दे दी उसकी जगह पे, तो इसमें भी एज सच इतना कुछ चेंज नहीं है। म्यूज़िक का इन्होंने लोगो चेंज किया है, म्यूज़िक में कुछ अपडेटेड है, तो एज सच अभी समझ में तो नहीं आ रहा। आई थिंक इन्होंने केवल कलर और ये सारी चीज़ें चेंज किए हैं, मैसेजिंग में कुछ बात करके देखते हैं। ये चीज़ें थोड़ा ऐड किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी दिखती हैं, लेकिन एज सच इसमें ठीक है। और इनकी जो बेसिक एप्स हैं उसमें मे बी फोटोज़ में हम देख सकते हैं शायद इन्होंने कुछ चेंज किया हो। फोटोज़ में भी इन्होंने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है।
फिटनेस पे भी हम देख सकते हैं एक बार। यस, फिटनेस में थोड़ा सा चेंजेस हैं, ये आप देख सकते हो समरी और शेयरिंग का। ठीक है, शेयरिंग ये आपको वॉच में भी क्लियर कट, इसमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, अभी हम वॉलपेपर भी देखते हैं, क्योंकि वॉलपेपर दूसरे आए होंगे। होम स्क्रीन, होम स्क्रीन कैसे रखनी है, ये ऐप लाइब्रेरी ओनली। तो ऐड, तो ये जो होम स्क्रीन था, ये इस तरीके से रहेगी। अच्छा, और भी इसमें चीज़ें देखते हैं। शो, ओके, तो ये न्यूली डाउनलोडेड ऐप्स के लिए है केवल। तो लेट्स सपोज मैं यदि इसको बंद करता हूँ या ओपन करता हूँ, तो ये एज इट इज़ ही रहने वाला है। ठीक है, और जो न्यू ऐप्स होंगी वो ऐप लाइब्रेरी में ऐड होंगी और होम स्क्रीन पे नहीं होंगी। इसमें रहेंगी तो दोनों में ही ऐड होंगी और नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, तो ये होम स्क्रीन का एक इन्होंने सेटिंग नया अलग से दिया हुआ है। वॉलपेपर में देखते हैं कि वॉलपेपर में कुछ नया है क्या। ठीक है, तो चूज वॉलपेपर में स्टिल्स, स्टिल्स के अलावा डायनेमिक, एक्चुअली जो वॉलपेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो है वॉलपेपर, मेरे को इसमें नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो बाय द टाइम हम लोग ये सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज होम स्क्रीन पे मैंने ये सेट किया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है, तो उतने टाइम के लिए ये फोटो आप वीडियो देख सकते हो। ये स्क्रीन टाइम के बेस पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक फीचर्स आपका यही है। मेन तो मुझे इसमें लग रहा है इन्होंने ऐप लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की है, या फिर विजिट्स इन्होंने लुक एंड फील चेंज किया, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक डे बाई डे जब हम लोग यूज़ करेंगे इस नए OS को, तो फिर आई थिंक हम लोग को और भी चीज़ें पता चलेंगी। वो शायद मैं आपको लेटर ऑन किसी और वीडियो में और भी मे बी डिटेल के साथ जो है शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, आप लोगों के टाइम के लिए भी। ओके, थैंक यू।